बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीच चिकन सैलड। चिकन की दो ब्रेस्ट, कुकम्बर, रेडिश सुरख छोटी मूली, एवोकाडो, धनिया, छोटे चेरी टोमेटो, पीच, अनियन, ये लहसुन हमें चाहिए, बस एक तुरी चाहिए और वो भी हमें ड्रेसिंग के लिए चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को हम दो पीसेस में काट लेंगे इस तरह से, ये जल्दी से गल जाएगा। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। वन टीस्पून गार्लिक स्प्रेड करेंगे, एक चाय की चम्मची काली मिर्च, वन टीस्पून नमक। हम अच्छे से तीनों चीज़ों को लगाकर हाथ से मिक्स कर देंगे। एक साइड पर भी हम तीनों चीज़ें लगा देंगे, यानी गार्लिक, नमक और काली मिर्च। फिर इनको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। इसमें ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे चिकन को फ्राई करने के लिए। चिकन को हम हाई और मीडियम फ्लेम पर 6 मिनट तक फ्राई करेंगे, 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से। अब हम सैलड बनाने की तैयारी करते हैं। लेटस चाहिए, पहले हम इसकी जड़ों को काट लें। अब हम इसको मोटा मोटा काट लेंगे। चिकन की कटिंग चाहे आप इसके लॉन्ग स्लाइसेस में कर लें या इसको क्यूब्स में काट लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सैलड में ही जाना है। और ये जो सैलड ही नहीं है, ये आप लंच के तौर पर जो डाइट करते हैं इसको वो भी खा सकते हैं, और डिनर के टाइम भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसमें विटामिन ई एंड विटामिन सी, सारे विटामिन इसमें शामिल हैं। चिकन को हम सेट पे डाल दें। अब हम आप पीच के अलावा कोई भी फल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप इसमें सेब भी डाल सकते हैं, आप इसमें मैंगो भी डाल सकते हैं, इसमें आप ग्रेप्स भी डाल सकते हैं। तो ये एक फल इसमें शामिल हो जाता है तो ये और टेस्टी सैलड बन जाता है। पीच एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी और विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये स्किन की खूबसूरती को बढ़ाता है, वजन को कम करता है और नज़र के लिए बहुत अच्छा है। एवोकाडो एक यूनिक फ्रूट है, इसमें कुदरती सोडियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, दिल के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दिन में इसका इस्तेमाल, एक एवोकाडो बहुत ज़रूरी है। इसका जो बीज है वो दरमियान में से कट गया है, तो आप इसको बड़ी एहतियात से नाइफ के साथ बीच में से निकाल सकते हैं, जिस तरह से कि मैं निकाल रही हूँ। एवोकाडो को हम स्क्वायर पीसेस में भी काट लेंगे, कुकम्बर को भी काटेंगे। भी हम स्क्वायर पीसेस में काटेंगे। अब लाल मूली को भी स्क्वायर में काट लें। ये जो तीनों चीजें काटी हैं तरतीब से रखते जाएंगे,
एवोकाडो, सुरख लाल मिर्च और खीरा। अब हम चेरी टमाटो काटेंगे और उसको भी प्लेट पे एक साइड में रख देंगे। अब हम प्याज को चॉप करेंगे। चॉप कर लिया। अब हम धनिया को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब हम इसकी ड्रेसिंग बनाते हैं, होममेड ड्रेसिंग। इसमें हाफ कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव चाहिएगा। इसमें 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर चाहिएगा, 2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टीस्पून शहद हनी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 लहसुन की तुरी फ्रेश, इतना ज्यादा कि इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाए, इसका ऑयल इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ड्रेसिंग डालेंगे। बहुत मजे का सैलड रेडी है। अब इसके ऊपर हम कुछ टोस्टेड बादाम डाल देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिल सके। मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। So yummy.